हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द DSA-One कोर्स। और आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रायोरिटी क्यू के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आज हम सॉल्व करेंगे इसे educative.io के ऊपर जाके। educative.io के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको काफी बार बता भी चुका हूं मैं कि काफी कमाल की वेबसाइट है। इसके ऊपर मल्टीपल कोर्सेज हैं जिनको आप जाके फॉलो कर सकते हो। आप लोगों की कोडिंग की प्रैक्टिस होगी, आप लोगों की डेवलपमेंट की प्रैक्टिस के लिए भी काफी एक अच्छी वेबसाइट है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप educative.io/anuj पर जाओगे तो। जिस कोर्स को हम फॉलो करने वाले हैं वो है एस द जावा कोडिंग इंटरव्यू, और इसके अंदर जाके आप देखोगे मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हम जाएंगे अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर और आज का देखते हैं क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो हीप सेक्शन के अंदर आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच इज फाइंड द मीडियन ऑफ अ नंबर स्ट्रीम, तो ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। जरा देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं। तो आपको ना काफी सारे नंबर्स दे रखे हैं, वो नंबर्स एक एक करके आ रहे हैं रनिंग स्ट्रीम के अंदर, वो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं और आप लोगों को किसी भी टाइम पर बताने कि अभी फिलहाल क्या मीडियन चल रहा है, कि मीडियन क्या आने वाला है। आप लोगों को पता है मीडियन क्या होता है? मीडियन बेसिकली अगर आप लोगों को नंबर्स दे रखे हैं उनको आप सॉर्ट कर दोगे तो बीच मिडल जो नंबर होता है वो आपका बेसिकली मीडियन होता है। ये आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है। ये वाला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं अपने एजुकेटिव के अंदर। पूरा कोड देख रहे होंगे, ठीक से समझ रहे होंगे किससे कैसे काम करता है, एंड देन उसको रन भी कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह से इसको डिजाइन करना है, क्योंकि आप लोगों की यहाँ पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होती है। तो किसी भी इंटरव्यू के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास वो दे देते हैं कि आप लोगों को दो फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं विच इज इंसर्ट नम एंड फाइंड मीडियन। ठीक है, आप लोगों के पास एक एक करके नंबर आते जाएंगे, एक रनिंग स्ट्रीम के अंदर नंबर आप इनपुट लेते जाओगे और किसी भी टाइम पर आप लोगों को बोल देंगे फाइंड मीडियन, मीडियन बताओ क्या आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जैसे यहाँ पर नंबर इन्होंने डाले, पहले नंबर 3 डाला, देन नंबर 1 डाला, तो अब दो नंबर हो चुके हैं 3 एंड 1। आप लोगों को बोल दिया मीडियन बताओ, तो मीडियन क्या होगा, 1 एंड 3 का मीडियन क्या होगा, 1 + 3/2 विच इज 2। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर ऐड कर दिया 5, तो आपके पास नंबर हो चुके हैं 1, 3 एंड 5, तो अब मीडियन क्या होगा, 3, राइट, क्योंकि मिडल में आपका नंबर 3 है। तो इसको देखते हैं जरा किस तरीके सॉल्व करने वाले हैं। तो इसकी जो अप्रोच रहने वाली है उसको समझ लेते हैं। पहले अप्रोच समझने के लिए चलते हैं मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वहाँ पे आप लोगों को ठीक समझ में आएगा। तो सपोज करो ये आपके रनिंग स्ट्रीम ऑफ नंबर्स हैं और हमें बताना है हर पॉइंट पे कि क्या मीडियन आने वाला है। तो हमें पता है मीडियन क्या होता है, मीडियन बेसिकली सॉर्टेड एरे के अंदर जो मिडिल पोजीशन पर नंबर होता है वो आपका मीडियन होता है। तो यहाँ पर आपका पहले नंबर आया 3, तो पहले नंबर है 3, तो फिलहाल एरे के अंदर सिर्फ 3 है, तो मीडियन भी आपका 3 होगा, है ना, मीडियन भी आपका 3 है। अब आपके पास अगला नंबर आता है 1, तो अब आपके एरे के अंदर हो गया 3 और 1, तो इसको जरा सॉर्ट कर दो, तो ये सॉर्ट करने के बाद आपका एरे बन जाएगा 1 एंड 3, और जो मिडल में नंबर होगा, मिडल में कौन सा नंबर होगा, तो 1 और 3 के मिडल में तो कोई नंबर ही नहीं है। तो जब आपके इवन नंबर होते हैं तो मीडियन होता है बेसिकली मिडल के दो नंबर्स का एवरेज, तो यहाँ पर आपका मीडियन आएगा 1 + 3/2 विच इज 2, तो यहाँ पर आपका मीडियन है 2। देन आप अगले नंबर को लेकर आते हो विच इज 5, तो आपका एरे बन जाता है 1, 3 एंड 5, और ये सॉर्टेड है, तो बीच वाला जो नंबर होगा वो आपका मीडियन होगा, तो मीडियन आपका यहाँ पर जाएगा 3। देन आप अगले नंबर को लिखाते हो विच इज 4, तो आपका एरे हो जाता है 1, 3, 5, 4। तो आप ऐसा करो ना, जब आप ऐसे एरे को सॉर्ट करते जा रहे हो तो अगला नंबर आप एंड में डालने के बजाय सॉर्टेड पोजीशन पर डालो, जो इसकी सॉर्टेड पोजीशन होगी, तो आप ढूंढो कि ये 4 कहाँ पे आना चाहिए, तो 1, 3 और 4 इस जगह पे आना चाहिए क्योंकि अगला नंबर 4 से बड़ा है। तो आपका एरे जो होगा वो हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 5, और उसके बाद आप देख लो इसमें मिडल में कौन सा नंबर है, तो क्योंकि अब इसके अंदर इवन नंबर है तो मिडल के दो नंबर्स का एवरेज जो होगा वो आपका मीडियन होगा, तो मीडियन होगा आपका 4 + 3, 7/2 विच इज 3.5, तो मीडियन हो जाएगा आपका 3.5। तो इस तरीके से आप देख रहे हो मीडियन निकाल रहे हो। तो यहाँ पर जो हमने तरीका देखा है वो है कि सॉर्टेड एरे के अंदर अगले एलिमेंट को अपनी पोजीशन पर डालते चलो और उसके बाद मिडल एलिमेंट को निकाल लो। लेकिन आप देख रहे हो जब भी आप किसी एलिमेंट को अपनी उसकी सॉर्टेड पोजीशन पर डाल रहे हो तो वहाँ पर उसको डालने की जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग ओ ऑफ एन। कैसे आएगी कि आप लीनियरली आगे बढ़ोगे और देखोगे कि इस जगह किस जगह पर इसकी पोजीशन है, किस जगह पर इस नंबर को डालना चाहिए, और उस जगह पर उस नंबर को डाल दोगे और उसके बाद उसके आगे वाले सारे नंबर्स को एक एक करके राइट शिफ्ट कर रहे होगे। अगर आप बाइनरी सर्च का यूज़ करके भी उस एलिमेंट की पोजीशन को ढूंढ लेते हो जहाँ पर आप उस नंबर को इंसर्ट करना है, तो भी बचे हुए नंबर्स को आपको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा आगे आने वाले नंबर्स को, तो वो आपका बिग ओ ऑफ एन, वहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से इसके अंदर एन अगर नंबर हैं तो आप उनके अंदर बिग ऑफ एन ऑपरेशन बार बार कर रहे होगे, तो ये आपका एक तरीके से इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। क्या इससे कम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इसे हम इसे कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जरा सोचो किस तरीके से आप इसे इससे कम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कर सकते हो। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मीडियन निकालना है, हमें सॉर्टेड एरे बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमें बेसिकली एक मिडल नंबर चाहिए होता है और उससे लेफ्ट साइड उससे छोटे नंबर और उससे राइट साइड उससे बड़े नंबर सेम क्वांटिटी में होने चाहिए, भले ही वो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले नंबर सॉर्टेड ना हो। आप जरा सोचो किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। प्रायोरिटी क्यू भी एक हिंट है और ये जो मैंने आपको एक हिंट दिया ये भी एक हिंट है। अब जरा सोचो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अलग अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। हम बेसिकली बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, सपोज करो ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं,
तो और अगर इन नंबर्स के बीच में हमारा यहाँ पर मीडियन है, सपोज करो दिस इज एक्स और ये हमारा मीडियन है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स के लेफ्ट साइड में कुछ नंबर होंगे और एक्स के राइट साइड में कुछ नंबर होंगे, और जो काउंट होगा दोनों साइड का, ये सपोज करो लेफ्ट है और ये सपोज करो राइट है, जो काउंट ऑफ नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू द काउंट ऑफ नंबर ऑन द राइट साइड, हम ये बात कह सकते हैं, है ना, अगर एक्स एक मीडियन है तो। और एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि जो नंबर एक्स के लेफ्ट साइड होंगे वो एक्स से छोटे होंगे और जो नंबर एक्स के राइट साइड होंगे वो एक्स से बड़े होंगे, राइट। तो हम बेसिकली अगर हमें निकालना है, मीडियन निकालना है किसी भी पॉइंट पर, अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम बेसिकली दो ग्रुप्स बना सकते हैं, दो ग्रुप्स ऑफ नंबर बना सकते हैं। हम बोलेंगे कि इस साइड जो नंबर है वो हमेशा एक्स से छोटे हैं, ठीक है, स्मॉलर देन एक्स, और इस साइड जो नंबर है वो ग्रेटर देन एक्स है। और अगर हमें मीडियन फाइंड करना है, हमें सपोज करो ये मीडियन फाइंड करना है एक्स, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो भी यहाँ से सबसे बड़ा नंबर निकल के आ रहा है, लार्जेस्ट जो नंबर निकल के आ रहा है, लार्जेस्ट नंबर यहाँ का और यहाँ का स्मॉलेस्ट नंबर जो निकल के आ रहा है, इन दोनों नंबर्स की हेल्प से हम मीडियन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ कैसे, कि जो मीडियन होगा वो इन दोनों में से कोई नंबर होगा हमारा, लार्जेस्ट ऑन द लेफ्ट साइड या फिर स्मॉलेस्ट ऑन द राइट साइड, इन दोनों में से कोई नंबर होगा। और अगर दोनों जगह का काउंट बराबर है, मतलब दोनों जगह सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जो मीडियन होगा वो यहाँ के लार्जेस्ट इस नंबर और यहाँ के स्मॉलेस्ट जो नंबर है उन दोनों का एवरेज निकल के आएगा। तो हम बेसिकली कह सकते हैं अगर हमने इस तरीके के दो गुच्छे बना लिए, तो हमारे पास मीडियन निकालने के लिए बेसिकली सिर्फ दो नंबर की जरूरत रहने वाली है, यहाँ के लार्जेस्ट नंबर की और यहाँ के स्मॉलेस्ट नंबर की। और अगर हमें पता है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और उन नंबर्स के बीच में से सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इजीली मैक्स हीप, क्योंकि मैक्स हीप का काम ही है, मैक्स हीप क्या करता है कि कुछ नंबर्स लेता है और उनके अंदर से जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको रिटर्न कर देता है, राइट। और अगर आपको कुछ नंबर्स हैं और उनके बीच में से सबसे छोटा नंबर बताना है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो मिन हीप, और मिन हीप क्या करेगा, उन नंबर्स के अंदर से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। ऐसा करते हैं कि एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सपोज करो ये एरे था आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, और हमें पता है कि इसके अंदर जो मीडियन निकल के आने वाला है वो इन दोनों नंबर्स का एवरेज करके निकल के आने वाला है। हम क्या करेंगे, इनको दो इक्वल काउंट के पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपके 1, 3 और 5 है, यहाँ आपके 9, 7, 11 है, और इधर से हम क्या करेंगे, इधर से सबसे बड़ा वाला नंबर निकालते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 5, और इधर से सबसे छोटा नंबर निकालते हैं तो वो आपका है 7, और इन दोनों का जो एवरेज होगा 5 + 7/2 विच इज 6, वो आपका मीडियन होगा। किसी भी टाइम पे आप इस तरीके से मीडियन निकाल सकते हो। सपोज करो ऑड नंबर ऑफ नंबर है, मतलब यहाँ पे सपोज करो 11 नहीं है, तो आप यहाँ से 11 हटा दोगे, ठीक है, और जो आपका मीडियन होगा वो क्या होगा, मीडियन उस केस में यहाँ से जो आपका 5 निकल के आ रहा है वही होगा, ठीक है, तो ये आपका मीडियन हो गया। तो एक और चीज़ हम एक और रूल बना लेते हैं, वो क्या, कि जब हमारे पास ऑड नंबर्स इन दोनों का सम करने पर, ऑड नंबर्स अगर फिलहाल ऑड नंबर्स हमें फिल करने इसके अंदर, तो सबसे ज़्यादा वाला नंबर हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 7 नंबर फिल करने हैं, तो 4 नंबर यहाँ जाएंगे, 3 नंबर यहाँ जाएंगे। अगर हमारे पास 9 नंबर फिल करने हैं, तो 5 नंबर यहाँ जाएंगे, 4 नंबर यहाँ पर जाएंगे। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उस केस में, जो ये वाला नंबर होगा वही मीडियन होगा। अगर दोनों जगह इक्वल इक्वल नंबर है, मतलब इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं टोटल मिला के, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो हमारा आंसर होगा। तो बेसिकली हमें बस कुछ नहीं करना, दो ही मेंटेन करते हुए चलना है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार जरा वापस एजुकेटिव के अंदर वापस जाते हैं और जरा देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके सॉल्व कर रखा है, और उसके बाद जरा कोड करके देखते हैं इसे। सेम अप्रोच यहाँ पर भी इन्होंने दे रखी है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन आप पढ़ोगे, तो इन्होंने सबसे पहले वही वाला सॉल्यूशन बता रखा है आप लोगों को सॉर्टेड एरे के अंदर। सॉर्टेड एरे में आप जाओगे तो बिग ऑफ एन स्क्वायर आ रहा होगा, हर क्वेरी के लिए आप बिग ऑफ एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी। हमें इसे बिग ऑफ एन लॉग एन में लिखाना है, एन स्क्वायर से काफ़ी ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन होगी। तो उसके लिए इन्होंने वही क्या रखा है, आप एक स्मॉल नंबर लिस्ट बनाओगे, एक लार्ज नंबर लिस्ट बनाओगे। स्मॉल नंबर लिस्ट को आप बोलोगे एक मैक्स हीप, लार्ज नंबर लिस्ट को आप बोलोगे एक मिन हीप, और आप बेसिकली एक एक करके मिन हीप और मैक्स हीप में नंबर डालते जा रहे होगे। इन्होंने भी यहाँ पर भी सेम चीज़ की है कि मैक्स हीप के अंदर ज़्यादा नंबर रखते हैं हमेशा ये, अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, मतलब अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टोटल काउंट आ रहा है, तो ज़्यादा नंबर जो होंगे वो मैक्स हीप के अंदर रखेंगे और जो कम नंबर होंगे वो मिन हीप के अंदर रखेंगे। किस तरीके से काम कर रहा है जरा देखते हैं। सबसे पहले आप एक इंसर्ट 3, एक एक स्टेप इन्होंने बता रखा है। तो इंसर्ट नंबर आपने 3 पहले ऐड किया, तो आपने यहाँ पर 3 ऐड किया, मैक्स हीप के अंदर आ गया वो, क्योंकि अगर ऑड नंबर ऑफ काउंट है तो आपका ज़्यादा नंबर मैक्स हीप के अंदर होना चाहिए, इसीलिए आपने मैक्स हीप के अंदर रखा इसे, ठीक है। अभी फिलहाल 1 काउंट है, तो मैक्स हीप के अंदर है 1, मिन हीप के अंदर 0 एलिमेंट्स पड़े हैं। उसके बाद आप अगला नंबर लेके आए विच इज़ 1, आप चेक करोगे करंट मैक्स हीप के टॉप वाले एलिमेंट के साथ, क्योंकि करंट जो मीडियन रहने वाला है जब टोटल सम ऑड रहने वाला है, तो मीडियन आपका मैक्स हीप के टॉप वाला एलिमेंट होगा। तो आप इस वाले के साथ चेक करोगे क्या ये नंबर मेरे मीडियन से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तब तो आपका मिन हीप के लेफ्ट साइड वाले के अंदर आएगा मैक्स हीप के अंदर, अगर बड़ा है तो आपका राइट साइड वाले मिन हीप के अंदर जाएगा। तो क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 3, तो इसको आप मैक्स हीप के अंदर इंसर्ट कर दोगे, तो आप मैक्स हीप के अंदर इंसर्ट कर दोगे तो हो जाएगा 3 और 1। फिर आप चेक करोगे कि अभी फिलहाल मेरे पास इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं, राइट, और जब मेरे पास इवन नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड बैलेंस रहे, मिन हीप और मैक्स हीप के अंदर बराबर बराबर नंबर आए।
तो आप देखो कि अच्छा यहाँ पर इवन नंबर्स हैं और यहाँ पर मैक्स हीप के अंदर एक नंबर ज़्यादा है, तो एक नंबर मैक्स हीप के अंदर से पोल करोगे और उसे मिनी हीप के अंदर ऐड कर दोगे। तो यहाँ से आप जब मैक्स हीप के अंदर से कोई नंबर निकालोगे तो वो टॉप वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो निकलेगा, तो 3 यहाँ से निकला और 3 आपके मिनी हीप में चला गया। तो आप लोगों को पिक्टोरियली इन्होंने बता दिया कि मिनी हीप के अंदर भी फिलहाल 1 है, मैक्स हीप के अंदर 1 है और मिनी हीप के अंदर आपका 3 है। अगर आप बोलोगे अभी फिलहाल मीडियन निकालो, तो मीडियन आप बेसिकली देखोगे अच्छा इवन नंबर्स हैं तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो हमारा मीडियन रहने वाला है, तो आप इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकाल दोगे तो आपका मीडियन होगा। अब आप एक अगला नंबर इंसर्ट करोगे विच इज़ 5, आप चेक करोगे फिलहाल जो मेरा मीडियन है जो लेफ्ट साइड वाला मैक्स हीप वाला जो नंबर है उससे मेरा करंट जो एलिमेंट है 5 वो बड़ा है, तो आपका वो राइट साइड वाले हीप के अंदर आएगा विच इज़ मिन हीप, तो आप राइट साइड वाले हीप के अंदर अपना ये नंबर डाल दोगे। लेकिन अब ये ऑड नंबर्स हो जा रहे हैं राइट, 3 नंबर अब हम ऐड कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो मैक्स हीप है उसके अंदर ज़्यादा नंबर काउंट हो, तो एक नंबर हम मिन हीप के अंदर से निकालेंगे। तो मिन हीप के अंदर आपके क्या आते हैं 3 एंड 5, 3 एंड 5 में से एक नंबर निकाल लिया तो वो आपका 3 बाहर निकलेगा क्योंकि वो एक मिन हीप है, और 3 को निकाल के आपने मैक्स हीप के अंदर डाल दिया, तो आपके मैक्स हीप के अंदर है 3 1, मिन हीप के अंदर 5 है। और अभी आप बोलोगे मीडियन निकालने के लिए, तो क्योंकि इसके अंदर ऑड नंबर्स हैं तो आपका जो मैक्स हीप के अंदर टॉप एलिमेंट होगा वो आपका मीडियन होगा। अब आप अगला नंबर ऐड करोगे 4 को आप कंपेयर करोगे इसी मैक्स हीप के टॉप एलिमेंट के साथ, तो ये इससे बड़ा है तो आपका ये राइट साइड आएगा, मिन हीप के अंदर आएगा, तो आपने ये राइट साइड डाल दिया और अब दोनों साइड आपके इवन इवन नंबर्स हैं। तो अगर आप अभी बोलोगे मीडियन निकालने के लिए, तो मीडियन जो होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। तो अब जरा देखते हैं इन्होंने किस तरीके से कोड कर रखा है, कोड भी बहुत ही सिंपल इन्होंने किया हुआ है और मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर किया हुआ है, तो आपकी जो भी पसंदीदा लैंग्वेज है उसको आप यहाँ पर जाके चूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, 2 प्रायोरिटी क्यू बनानी है यहाँ पर हमें, एक मैक्स हीप और मिन हीप। इन्होंने इस तरीके से बनाया, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप जाके डायरेक्टली इसके अंदर कोड कर सकते हो, तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इन्होंने देख रहे हो क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्टर पास कर रखा है एक, और ये बेसिकली एक लैम्डा फंक्शन है। आप लैम्डा फंक्शन से हटा के जो मैंने आपको बताया हुआ उस तरीके से भी कर सकते हो, तो मैं ये पूरा का पूरा हटा देता हूँ यहाँ से, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक मैक्स हीप बना लेते हैं इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। मैक्स हीप अगर आपको बनाना होता है प्रायोरिटी क्यू के अंदर, तो आप लिखते हो कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, राइट, ये मैंने आपको बताया था, तो कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर आप लिख दोगे, तो ये भी आप एक कंपैरेटर पास कर सकते हो और अब आपका ये मैक्स हीप बन जाएगा। और मिन हीप तो बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर बन ही रहा होता है, तो आप इस तरीके से मिन हीप बना सकते हो। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट मिन हीप बन गया और ये वाला आपका मैक्स हीप बन गया। अब देखते हैं इंसर्ट नंबर किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप चेक करो कि क्या मेरा मैक्स हीप एम्प्टी है, अगर मेरा मैक्स हीप एम्प्टी है तब तो उसी मैक्स हीप के अंदर नंबर ऐड कर दो, राइट, मैक्स हीप डॉट ऐड नंबर। लेकिन अगर मेरा मैक्स हीप एम्प्टी नहीं है तो हम कंपेयर करेंगे मैक्स हीप के टॉप एलिमेंट के साथ, क्योंकि वो मेरा फिलहाल मीडियन होगा, कि क्या मेरा नंबर जो मेरे को नंबर ऐड करना है वो मेरे टॉप वाले एलिमेंट से छोटा है, अगर छोटा है तो वो तो मीडियन से छोटा है, तो मतलब लेफ्ट साइड वाले हीप में आएगा विच इज़ मैक्स हीप। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर आप इसे अपने लेफ्ट साइड वाले हीप के अंदर डाल रहे होगे, एल्स आप इसे राइट साइड वाले हीप के अंदर डाल रहे होगे नंबर को। उसके बाद आप कंपेयर करोगे साइज़ का कि साइज़ क्या चल रहा है इस टाइम पे, अगर दोनों साइड आपके नंबर्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट के अंदर हैं तब तो ठीक है रहने दो, लेकिन अगर राइट साइड मेरे नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तब मुझे एक नंबर उठा के लेफ्ट साइड डालना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमने कंपेयर किया हुआ है कि अगर मेरे मैक्स हीप का साइज़ मेरे मिन हीप के साइज़ प्लस 1 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब मैंने मैक्स हीप मतलब लेफ्ट साइड मैंने बहुत सारे नंबर रख लिए हैं, तब क्या करना पड़ेगा, एक नंबर निकालो मैक्स हीप के अंदर से और उसे मिन हीप के अंदर डाल दो। तो वही क्या हुआ है, मिन हीप डॉट ऐड मैक्स हीप डॉट पोल, तो मैक्स हीप डॉट पोल करने से मैक्स हीप के अंदर से एक नंबर निकलेगा और वो मिन हीप के अंदर डल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमने दूसरी कंडीशन यहाँ पर लगाई है, वो क्या कि अगर मेरे मैक्स हीप का साइज़ मेरे मिन हीप के साइज़ से भी छोटा है, और हमने तो क्या सोच रखा था कि हमेशा हमें अपने मैक्स हीप के अंदर एक नंबर ज़्यादा रखना है अगर ऑड नंबर्स हैं, तो वो वाला चेक यहाँ पर लग रखा है। अगर ऐसा हो रखा है कि आपके मैक्स हीप के अंदर मिन हीप से भी ज़्यादा कम नंबर है, तब आप मिन हीप के अंदर से एक नंबर निकालो और उसे मैक्स हीप के अंदर डाल दो, तो मैक्स हीप डॉट ऐड मिन हीप डॉट पोल। तो इस तरीके से आप लोगों के इंसर्ट ऑपरेशन काम करेंगे और इसकी हेल्प से ही आप लोगों का फाइंड मीडियन बहुत ही जल्दी चल रहा होगा। वो कैसे चल रहा होगा जरा देखते हैं। तो जब भी आप बोलोगे ना किसी भी टाइम पर मीडियन निकालने को, तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे कि अगर मेरे मिन हीप का साइज़ और मैक्स हीप का साइज़ बराबर है, इसका मतलब दोनों साइड मेरे इक्वल नंबर है, मतलब इवन नंबर सभी डले हुए हैं, तब तो दोनों साइड से एक एक नंबर निकालो, मतलब मैक्स हीप के अंदर से सबसे बड़ा नंबर निकालो, मिन हीप के अंदर से सबसे छोटा नंबर निकालो, उन दोनों को एवरेज कर दो, वो हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वही किया, मैक्स हीप डॉट पीक और मिन हीप डॉट पीक डिवाइड बाय 2 कर दिया, उससे आपका मीडियन निकल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर दोनों साइड बराबर नंबर नहीं है, तो हमने इंसर्ट इस तरीके से किया कि हमेशा मैक्स हीप के अंदर ज़्यादा नंबर हो और जो फिर मैक्स हीप का जो टॉप एलिमेंट होगा वो हमारा मीडियन होगा उस केस में। तो अगर ऐसा नहीं है तो हमारा मैक्स हीप डॉट पीक हम रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो फिलहाल मीडियन होगा। तो इस तरीके से काम कर रहा है। और अगर इसे हम रन करते हैं तो रन करके देख लेते हैं, तो मैंने जो यहाँ पर चेंजेस किए थे वो यहाँ पर चलने चाहिए, तो हाँ ये अभी भी चल रहा है। और अभी फिलहाल जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आ रही है आपकी एन लॉग एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ रही, क्योंकि आप एट एनी टाइम इसके अंदर एन एलिमेंट्स रख रहे हो, आधे एलिमेंट यहाँ पर आधे एलिमेंट यहाँ पर, तो आपकी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, और बिग ऑफ
लॉग एन इसकी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। और फाइन मीडियन आपका बिग ऑफ वन में काम कर रहा है, पूछो क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो आपको कोई ऑपरेशन करना ही नहीं है, इसके अंदर तो आपको पीक ऑपरेशन करना है, पीक ऑपरेशन इसका बिग ऑफ वन में काम कर रहा होता है, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ लॉग एन, एन टाइम आप करोगे तो एन लॉग एन हो जाएगी, क्योंकि एन ऑपरेशन के लिए करोगे तो एन लॉग एन हो जाएगी, और फाइन मीडियन आपका बिग ऑफ वन में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ ही वाला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे लिंक लिस्ट के अंदर, अगले डेटा स्ट्रक्चर में मूव करेंगे विच इज लिंक लिस्ट। उसके बाद हमें स्टैक देखना है, क्यू देखना है, और उसके बाद ट्रीज वगैरह करके हम आगे बढ़ रहे होंगे इस कोर्स के अंदर। तो प्रायोरिटी क्यू हमारा यहीं तक था। अगर वीडियो आप लोगों को ये वाली पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।